हाय गाइस, वेलकम टू शक्कर ट्रेडर्स। शक्कर ट्रेडर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ। गाइस, स्टॉक मार्केट का बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ एक अलग नजरिए का कैंडल जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आप लोगों ने इसके सुने होंगे कि हाइकनेशी कैंडल क्या होता है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आपके साथ कि हाइकनेशी कैंडल का एडवांटेज डिसएडवांटेज। पहली बात तो हाइकनेशी कैंडल क्या होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा परफेक्ट ट्रेड रिवर्सल पॉइंट जो कि है हाइकनेशी कैंडल से हमें मिलता है। बट उस रिवर्सल पॉइंट को हम पकड़े कैसे, बड़ा प्रॉफिट बैंक निफ्टी में कैसे ले सकते हैं। बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, निफ्टी हो, सब में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक ना हम इस कैंडल को अच्छा से जानेंगे तब तक हम इसे सही से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हम बड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखने का जरूरत है अगर आपको हाइकनेशी कैंडल के बारे में डीपली नॉलेज जानना है तो। ओके चले गाइस, नेक्स्ट हम इसे और बात करेंगे कि ये बनता कैसे है। इसको बनने का ना सिंपल तरीका नहीं है। जैसे हम कैंडल जानते हैं कि हाई लो ओपन क्लोज, राइट। तो इसका जो बनने का तरीका है वो कुछ अलग है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो कैंडल में हमारा ट्रेडिंग सेटअप में मदद कैसे करेगा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे लाइव मार्केट में किस प्रकार से ये ट्रेंड रिवर्सल करता है। तो इन तमाम चीजों को हम लाइव चार्ट में यानी कि स्टॉक मार्केट का चार्ट में हम देखेंगे। ओके तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी है इसके अंदर। कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको बात करूंगा। तो अंत तक वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट डे यानी कि कल हम इसी सेटअप के ऊपर बैंक निफ्टी का एक बेहतरीन सेटअप आपको बताऊंगा, जो कि आप सिर्फ पूरा दिन दुनिया को छोड़ दीजिए, सिर्फ इस सेटअप के ऊपर काम कीजिए। बैंक निफ्टी में दिन में 2 से 3 ट्रेड लीजिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो कल हम इसी एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट पोस्ट करेंगे। तो आपको हमारा हर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना जरूरी है। बट कभी मैं नहीं कहता हूं कि सबसे पहले दबाइए, मेरा पूरा एक वीडियो देखिए। अगर आपको समझ में आता है, काम आता है, तभी जाके हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैंडल ये है हमारा नॉर्मल कैंडल। टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे 3 मिनट्स रखे हैं, राइट। नॉर्मल कैंडल में क्या होता है, ओपनिंग क्लोजिंग जो अपर शैडो होता है ये हाई। एक अगर और कैंडल को देखेंगे तो ये आपको लो पॉइंट, ये हाई पॉइंट, ये ओपनिंग पॉइंट एंड एक क्लोजिंग पॉइंट एक ग्रीन कैंडल के लिए, राइट। रेड कैंडल में क्या होता है, रेड कैंडल में अगर हम कोई एक रेड कैंडल को लें यहाँ से, तो कोई भी एक रेड कैंडल लीजिए, जैसे ये रेड कैंडल है जो हाई लो थोड़ा ठीक ठाक है, तो इसका क्या होता है कि रेड कैंडल का टॉप बॉडी जो होता है वो आपको ओपनिंग होता है, ये आपको हाई होगा, इस ड्यूरेशन का हाई होगा, और ये आपको लो होगा एंड ये आपको सॉरी ये आपको लो होगा और ये आपको क्लोजिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपली हमारे को समझ में आता है। बट हाइकनेशी कैंडल देखिए कि यहाँ पे बहुत अच्छा से एक आपको दिखाता है कि जब तक ये रेड बन रहा है तब तक आपको, अगर आप सेल साइड में हो या पुट साइड में हो, तब तक आपको ट्रेड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे क्या करेगा, आपको इस जगह पे कंफ्यूज करेगा। देखो इस चार्ट के साथ ये टाइम फ्रेम क्या है, ये टाइम फ्रेम है सीधा, इसके नीचे देखेंगे तो टाइम फ्रेम होगा आपको 12:15, 12:00 नियर अबाउट 20 मिनट के आसपास। और यहाँ पे भी हमने ये देख पा रहे हैं कि 12:20 पे ये सिनारीज बन रहा है, ये हाई। अब यहाँ से इस जो दूरी तैयार किया है, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनेगा तो आपको डर लग जाता है कि शायद हमने यहाँ पे एग्जिट हो जाना है, राइट। सही बोल रहा हूँ कि नहीं। सेकेंडली यहाँ पे भी आपको डर लगेगा कि इतना रिवर्सल हो गया है तो शायद ये पॉजिटिव साइड में चला जाएगा, तो हमें यहाँ पे एग्जिट हो जाना है, क्लियर। फिर आपको यहाँ पे भी डर लगेगा कि यहाँ पे हमें एग्जिट हो जाना है, तो जैसे जैसे ग्रीन कैंडल बन जाता है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर आता है, तो हमें डर लग जाता है, क्लियर। बट यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, एक भी कैंडल आपको डरा नहीं रहा है, एक भी कैंडल आपको डरा नहीं रहा है। बट हाइकनेशी कैंडल बनता कैसे, उसे भी हम बहुत क्लियरली समझेंगे जब स्टॉक मार्केट का एक चार्ट में चलेंगे। हमने ये एक प्रेजेंटेशन लिया है जहाँ पे एक लेफ्ट साइड में नॉर्मल कैंडल और राइट साइड में हाइकनेशी कैंडल को बनाए हैं। चलिए हम चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी का दो चार्ट में, जहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा नॉर्मल कैंडल है एंड राइट साइड में हाइकनेशी कैंडल है। उससे पहले हम सर्कल ट्रेडर्स का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के माध्यम से हम क्या क्या देख सकते हैं वो हम एक नज़र देख लेते हैं। तो सर्कल ट्रेडर्स का प्ले स्टोर में जाके सर्कल ट्रेडर्स सर्च करेंगे तो उसके अंदर हमारे ये तमाम कोर्सेज है जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट का एक एक पॉइंट जान सकते हो। चलिए गाइस सीधा चलते हैं हम चार्ट पे, और चार्ट को देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो यूज़ किए हैं, लेफ्ट साइड में है नॉर्मल कैंडल, राइट साइड में हाइकनेशी कैंडल। हमने एक हाइकनेशी कैंडल का क्यों, इसका कंटिन्यू ये सिनारीज दिखा रहा है,
और इसमें अगर देखिए एक ही टाइम फ्रेम पे हम लेंगे 1 बजे, यहाँ पे एक कहाँ पे बज रहा है, यहाँ पे एक बज रहा है गाइस, ये जो सिनेरियोज है 1 बज रहा है, क्लियर हो रहा है आपके पास, ये जो सिनेरियोज है 1 बज रहा है। 1 बजने के बाद जब ये 1:15 तक हाई गया है, तब तक इसके बीच में एक बार रेड भी बना है, 2 बार रेड बना है, बट यहाँ पे एक बार भी रेड नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि इसका जो बनने का तरीका है वो अलग है, तो हमें बनने का तरीका भी थोड़ा सा समझना चाहिए, राइट? तो बनने का तरीका क्या है, क्लियरली देखिए, जो नॉर्मल कैंडल है वो बिल्कुल प्राइस के साथ चलता है, बट हाई कैंडेंसी कैंडल है जो प्राइस के साथ नहीं चलता है। तो ये इतना समझ लीजिए कि नॉर्मल कैंडल का जो ओपनिंग है ये तो नेक्स्ट कैंडल के बाद, इस कैंडल के बाद जो इसका ओपनिंग होगा, तो जहां पे प्राइस दिख रहा है वहीं पे ओपनिंग होगा, दैट्स ऑल, ओके। बट यहाँ पे हम सेम टाइम फ्रेम का एक कैंडल लेंगे, 1 बज रहा है, तो 1 बजे का कैंडल यहाँ पे कौन सी आएगा गाइस, 1 बजे कैंडल हमारा ये है, राइट, याद रखिएगा ये है, ओके। और राइट साइड में 1 बजे का कैंडल कौन सी है, राइट साइड में 1 बजे कैंडल ये है, दो जी। देखो आपको क्या दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में जो 1 बजे का कैंडल है, राइट साइड में जो 1 बजे का कैंडल है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। ये आपको क्लियर दो जी दिख रहा है, बट ये एक बुलिश कैंडल दिख रहा है। अब हाई कनेक्शन कैंडल का मेन बात यह है कि जब एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड आ रहा है, आपको यह ध्यान देना है कि कंटिन्यू एक स्विंग लो दिखना चाहिए, यह नहीं कि बीच में कई बार आपको परेशान किया है, ऐसी सिनेरियोज नहीं, ओके। तो कंटिन्यू एक बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे तो मिनिमम यहां पे 250 से 300 पॉइंट का मिनिमम एक डाउनफॉल या अप ट्रेंड होना चाहिए, कितना, मिनिमम 300 पॉइंट का रख लीजिए अगर ऐसी सिनेरियोज मिलता है। तो बैंक निफ्टी के ऊपर इस सेटअप को किस तरीके से बेहतरीन बनाएंगे हम, वो तो कल का वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं ये कैंडल बना कैसे, ओके, ध्यान से देखना। तो ये बनता कैसे है कि जो प्रीवियस कैंडल है, इसका प्रीवियस कैंडल ये है, ओके। तो प्रीवियस कैंडल का जो बॉडी होता है, इस बॉडी का जो बीच वाला पार्ट होता है, इस बॉडी का बीच वाला पार्ट होता है, ये होता है नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग। फिर से बताऊं, जो हाई कनेक्शन कैंडल, देखो इस कैंडल का बॉडी देखिए, इस बॉडी का बीच वाला पार्ट कहां पे है, इसे नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग हुआ है, क्लियर। कोई भी कैंडल देखिए, इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल का जो बॉडी है, इसका जो मिडिल पोर्शन है, ये नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग है। तो ओपनिंग आपको क्लियर हो गया कि हाई कनेक्शन कैंडल का ओपनिंग कैसे होता है, ये नहीं कि नॉर्मल कैंडल पे यहां पे क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट कैंडल यहां पे ओपनिंग हुआ, तो करेक्ट ओपनिंग पॉइंट को ही दिखाएगा, नहीं, इसमें ऐसे नहीं दिखाएगा, ओके। अब देखिएगा मॉर्निंग पे जब मार्केट ओपन होता है, 300 पॉइंट पॉजिटिव ओपन होता है बैंक निफ्टी, कभी कभी 200 पॉइंट, 100 पॉइंट, तो क्या होता है, पिछला दिन का जो लास्ट कैंडल था, पिछला दिन का जो लास्ट कैंडल था, उस कैंडल का बीच से ये कैंडल बनना शुरू होगा और सीधा इतनी लंबी हाई कैंडेंसी कैंडल आपको फर्स्ट कैंडल दिखाएगा। बट नॉर्मल कैंडल क्या होता है, पिछला दिन अगर यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है और नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है, तो बिल्कुल एक गैप आपको समझ में आता है, दिखता है, और इस गैप के बाद ही ये ओपनिंग होता है, राइट, आया समझ में? तो और इसका जो ओपनिंग है, कैंडल का ओपनिंग है, ये हमारा क्लियर हो गया। एक कैंडल का कितना पार्ट होता है गाइस, कितना, सुनाई नहीं दिया, दोबारा बताइए। ओह सॉरी, आप लोग तो बता नहीं सकते है ना, कि आप मैसेज लिख सकते हैं, तो मैसेज में जरूर लिखिएगा, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो एक कैंडल का 4 पार्ट होता है, मैं आपका दिल की बात मैं समझ गया, ओके, आपके मन में क्या है कि 4 पार्ट होता है, तो बिल्कुल 4 ही पार्ट होता है। कौन कौन से पार्ट होता है ना, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो। तो हमने ओपनिंग पार्ट को क्लियर हो गया, अब हमें हाई लो क्लियर कर लेते हैं, फिर क्लोजिंग बताऊं, क्लोजिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। तो हाई लो जो होता है वो बिल्कुल जो नॉर्मल कैंडल होता है ना, इसी का हाई लो होता है। अब देखिए यहाँ पे मिला के, ये इस कैंडल का हाई क्या था, ये इस कैंडल का हाई था 39,605 और इसका लो था 39,568 नियर अबाउट। तो इसका हाई क्या है देखिए आप, इसका जो हाई दिख रहा है हमें वही 39,605 और लो दिख रहा है हमारे को 39,500 वही 68, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपको क्लियर हो गया कि हाई लो कैसे बनता है। अब आता है क्लोजिंग, अब आता है क्लोजिंग, यानी कि हाई लो जो नॉर्मल कैंडल का हाई लो होगा ना वही होगा, और जो क्लोजिंग होगा वो कैसे होगा, आपको प्रीवियस कैंडल का जो 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट को जोड़ा जाएगा, क्लियर, इस 4 पॉइंट को जोड़ा जाएगा। जोड़ने के बाद इस 4 पॉइंट को प्रीवियस जो सॉरी
जो करंट जो कैंडल हमारा बन रहा है, इस करंट एक्चुअल जो कैंडल है, इस कैंडल का चारों पॉइंट को जोड़ के फिर उसको फोर से डिवाइडेड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वहां पे क्लोजिंग होगा। तो हम इस कैंडल को कैलकुलेशन करके देखते हैं, कैसे कैलकुलेशन करेंगे ना, ये जो कैंडल है इसका हाई लो ओपन क्लोज प्राइस देखेंगे। तो गाइस एक बार हम देख लेते हैं इसका हाई लो ओपन क्लोज प्राइस। कैलकुलेटर को ओपन करेंगे और कैलकुलेटर को ओपन करके यहाँ पे लेके आते हैं और इसका हाई लो ओपन क्लोज प्राइस देखते हैं। ओके, आपके सामने है हाई लो ओपन क्लोज प्राइस। तो यहाँ पे ओपन प्राइस है 39,604, 39,604 प्लस क्लोजिंग प्राइस 39,673, 39,673 प्लस नेक्स्ट आ गया 39,673, हाई भी हुई है 39,673 प्लस लो कितना है 39,596, 39,596 राइट। अब हमने ये देख लिए और इसे इक्वल कर दिए और डिवाइडेड बाय फोर, डिवाइडेड बाय फोर यानी कि हमारा इसका क्लोजिंग पॉइंट क्या होगा, देखो 39,636। तो इस कैंडल का क्लोजिंग क्या है, देखो 39,600 बिल्कुल 36 ये आपको मिल रहा है। तो एक हाई कंडीशन कैंडल बनता कैसे है, अब देखिए इसे मिला के जो हमारा कैलकुलेशन निकल के आया है, ये बिल्कुल इसी कैलकुलेशन के साथ, बिल्कुल इसी कैलकुलेशन के साथ हमारे को इस कैंडल का क्लोजिंग बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये हाई कनिशी कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज कैसे बनता है, ये आपको क्लियर हो गया। ओके, और क्लियर कैसे मार्केट को ट्रेंड को रिवर्सल करता है, आपको देखा कि आपने कंटिन्यू एक स्विंग हाई के बाद ही जाके, स्विंग हाई के बाद ही जाके जब एक दोजी कैंडल बन जाता है, ये होता है क्लियर रिवर्सल कैंडल हाई कनिशी कैंडल का। ओके, तो कंटिन्यू लो आया, रेड दोजी बना, तो यहां पे आपको ट्रेंड रिवर्सल होने का सिग्नल दे दिया है, आपको इस जगह पे एग्जिट हो जाना है। ओके, कंटिन्यू ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद दोजी, जितनी प्रॉपर दोजी बनेगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये भी हमारे को एक टाइप का दोजी है, तो दोजी का आसपास हमने यहाँ पे स्क्वायर अप हो गए। तो हमने थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं और यहाँ पे ना नॉर्मल कैंडल कई बार आपको कंफ्यूज करेगा, नॉर्मल कैंडल क्या करेगा, कई बार आपको कंफ्यूज करेगा। मान लो मार्केट यहाँ से इतनी दूर तक तैयार किया है, ठीक है, क्या टाइम है 24 तारीख को 10:42 से और 12:24 हमने यहाँ पे चलते हैं 24th, राइट 24th को क्या टाइम देखा, 10:45 राइट, 10:45 हमारे यहाँ पे बन रहा है। तो देखो ये एक बिल्कुल एक रिवर्सल कैंडल दिखाया है और इस रिवर्सल कैंडल के बाद मैंने क्या बताया, दोजी कैंडल रिवर्सल कैंडल। ओके, तो ये दोजी कैंडल आपको बनाया, रिवर्सल कैंडल, रिवर्सल कैंडल के बाद कंटिन्यू ये ऊपर गया है, कंटिन्यू ऊपर गया। तो मिनिमम हमने यहां तक टारगेटों देख सकते हैं इस जगह पे, इस जगह पे हम स्क्वायर अप करेंगे नॉर्मल, इसी जगह पे हम बाइंग करेंगे, इस जगह पे बाइंग करेंगे और यहां तक कितने पॉइंट मिल रहा है गाइस, देखो ये हमारे को पॉइंट मिल रहा है 39,540 मान लेते हैं और यहाँ पे क्लोजिंग होंगे हम 39,614 नियर अबाउट 100 पॉइंट का। बट इस जगह पे आप ट्रेड करोगे, इस जगह पे आप ट्रेड करोगे 45 मिनट, यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे 39,545 के ऊपर ही हम ट्रेड लेंगे मिनिमम। बट यहाँ पे जो 600, इसका बीच में देखो, इसका बीच में जैसी ये रेड कैंडल बन जाएगा, जैसी ये रेड कैंडल बन जाएगा, आप खुद ही बताओ क्या आप यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करोगे, क्या आप इस जगह पे पोजीशन को होल्ड करोगे, आपको डर लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। बट यहाँ पे आपको डरा रहा है क्या, यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं डरा रहा है, एक जस्ट एक ये जो कैंडल बना था यहाँ पे नॉर्मली एक दोजी कैंडल बनाया है और उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया है। तो सबसे बेटर क्या सिनारीज है, सबसे बेटर सिनारीज है कि कंटिन्यू एक लो बनाने के बाद, कंटिन्यू एक हाई बनाने के बाद आपको ट्रेंड लेना है। तो ये जो वीडियो था, इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज देखे हैं कि दो हाई कनिशी कैंडल बनता कैसे है, काम कैसे करता है, ट्रेंड रिवर्सल कैसे करता है। बट अभी आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है जहां की आप अगर बीच में ट्रेड ले लिए, आप अगर ऐसे सिनारीज पे ट्रेड ले लिए तो आप इसमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप इसके ऊपर सही रिजल्ट नहीं मिलेगा कि कैंडल कुछ प्राइस दिखाएगा और एक्चुअल प्राइस कुछ अलग होगा, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इसका। तो किसी भी चीज का, किसी भी काम का, किसी भी बात का, जैसे कुछ खूबियां होता है कुछ कमियां भी होता है, तो उस चीज को अगर सही से आप समझोगे नहीं तो कमियां आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर जो मैं समझाने का कोशिश किया कि कहाँ पे किसी सिचुएशन पे आपने ट्रेड लेना है, चाहे स्टॉक में ट्रेड करना है, चाहे आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है,
तो आपको स्टॉप लॉस देखो, आप अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद बाइंग किया, स्टॉप लॉस कहाँ होगा? क्लियरली है कि इस कैंडल का लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या होगा? जब तक एक ग्रीन कैंडल बन रहा होगा तब तक आपको बने रहना है, जब तक ग्रीन कैंडल बन रहा है तब तक आपको बने रहना है। दो जी कैंडल बनेगा आपको स्क्वायर अप होना है। कैसे लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो कल जब हम बैंक निफ्टी का सेटअप इसमें बनाएंगे तो जरूर उसे वॉच कीजिए, आपको बहुत 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 फायदेमंद होगा बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग में। ओके गाइस, तो आज का वीडियो में इतना ही, और इसी के ऊपर डिपेंड करके, ये 3 मिनट कैंडल हाइकिंग कैंडल, इसी के ऊपर डिपेंड करके बैंक निफ्टी में हमने बनाया है रामबान स्ट्रैटेजीज। अगर आप रामबान स्ट्रैटेजीज नहीं जानते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके उसे भी एक बार विजिट कीजिए। थैंक यू गाइस, आज का वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।